आप संसार के किसी भी व्यक्ति के पास चले जाइए और जाकर के उससे पूछिएगा कि आप अपने जीवन के अंदर सुख को प्राप्त करना चाहते हो या आप अपने जीवन के अंदर दुख को प्राप्त करना चाहते हो। संसार का प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि मुझको सुख चाहिए। सामवेद का मंत्र है, यम रक्षन्ति प्रचेतसो मित्रो वरुण हरियमा न की सदभ्यते जन। वेद का मंत्र कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, यदि वह सुख को प्राप्त करना चाहता है, यदि उसके मित्र के अंदर चार गुण हैं, तो वह कभी अपने जीवन के अंदर दुख को प्राप्त नहीं हो सकता। पहला गुण बताया है मित्र, पहला गुण है मित्र होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मित्र अच्छे व्यक्तियों का ही होते हैं या बुरे व्यक्ति के भी मित्र होते हैं? माता जी कह रही है अच्छे व्यक्ति का भी मित्र होता है और बुरे व्यक्ति का भी मित्र होता है। और जब समाज के अंदर मिसाल दी जाती है मित्रता की, तो शराबी व्यक्ति की दी जाती है। देखो एक बार एक शराबी व्यक्ति अपने दूसरे शराबी मित्र से क्या कह रहा है कि देख मित्र, यदि इस बोतल के अंदर एक बूंद भी बाकी रह जाए तो ये हमारी मित्रता नहीं है। और ना एक शराबी व्यक्ति का यह धर्म होता, तो यहाँ पर मित्रता से काम नहीं चला। दूसरा गुण बताया है प्रचेतसो, मित्र होना चाहिए वह व्यक्ति बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन कभी कभार बुद्धिमानी से भी काम नहीं चलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो एक चोर व्यक्ति होता है वो बुद्धिमानी से चोरी करता है या मूर्ख बन करके चोरी करता है? बुद्धिमानी से चोरी करता है। और जब एक ज्वारी व्यक्ति जुए को खेलता है, वह भी बुद्धिमानी से जुए को खेलता है, क्योंकि वहां पर भी अंकों की गणना होती है। तो यहाँ पर बुद्धिमानी से भी काम नहीं चला। तीसरा गुण बताया है आर्य माँ, वह व्यक्ति आर्य होना चाहिए। अब आर्य कौन? आज समाज के अंदर फैलाया जाता है इस बात को कि जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, जो व्यक्ति देवी देवताओं को नहीं मानता, जो व्यक्ति किसी परिपाटी को नहीं मानता, उसको आर्य कहते हैं। लेकिन ध्यान कर लेना, ये झूठी बकवास समाज के अंदर फैलाई जाती है। और किनके द्वारा फैलाई जाती है? उनके द्वारा फैलाई जाती है जो इस संसार के अंदर, इस समाज के अंदर अंधकार को फैलाते हैं। कहते हैं कि आर्य समाज ही वो जो राम को नहीं मानता, जो कृष्ण को नहीं मानता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि सही अर्थों में राम को कोई मानता है और कृष्ण को कोई मानता है, केवल और केवल आर्य समाज ही है, अन्यथा कोई नहीं है। लेकिन अपनों के बीच बैठा हूं, एक छोटा सा कटु सत्य भी बोलना चाहता हूं। क्या वह व्यक्ति भी आर्य है कि जो आर्य नाम रखा करके काम दुष्टों वाले करता है? वह व्यक्ति आर्य समाजी नहीं हो सकता, वह आर्य समाज के नाम पर धब्बा है, कलंक है। और चौथा गुण बड़ा अच्छा बताया है वरुण, वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसकी समाज में चलती हो, जिसका हस्तक्षेप राजनीति के अंदर हो। यदि हमारे मित्र के अंदर ये चार गुण है, तो हम कभी भी दुखों को प्राप्त नहीं हो सकते। पूरे इतिहास के अंदर केवल और केवल एक व्यक्ति ऐसा हुआ है जिसके अंदर ये चारों गुण घटते थे, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसा जीवन चरित्र उस योगी का रहा है, क्या आज समाज के अंदर हम उस जीवन चरित्र को सुरक्षित कर पाए क्या? कैसी कैसी भक्ति हम करते हैं। एक भक्ति इन कह रही है कि इकली घेर लई मधुबन में श्याम तन ने कैसी ठानी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस भजन के अंदर भक्ति भाव का कोई बात है क्या? दूसरी बात, एक कहने लगे कि रात शाम सपने में आए धनिया पी गए सारा रा 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 रा, रात शाम सपने में आए मेरी चुनरी उड़ गई फरा रा रा रा। अब आप थोड़ा बुद्धि पर जोर डालो, बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या भक्ति से इस बात का कोई लेना देना है क्या? और मैं कुरुक्षेत्र में था पिछले जन्माष्टमी पर, वहां पर स्त्रियों ने भजन उठा रखा कि देखो देखो कौन आया, चोर आया चोर आया, उस महापुरुष को हमने चोर बना करके रख लिया। और एक कहने लगी कि मनिहारे का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी कितनी माताएं हैं जो अपने बेटे से माखन चोरी करवाना चाहती हैं, चूरी चूड़ियों को बिकवाना चाहती हैं, ऐसी कोई है क्या? जब अपने बेटे से हम ये कार्य नहीं कराना चाहते, तो उस योगी के ऊपर हमने ऐसे ऐसे लांछन क्यों लगा? तो आओ एक भजन के माध्यम से बताना चाहता हूँ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का जीवन चरित्र कैसा रहा है। मनिहारे का वेश न बनाया, नहीं चूड़ी बेच
दोष तुमने ये कैसा लगाया, नहीं चूड़ी बेचने आया। मनिहार का वेश ना बनाया, नहीं चूड़ी बेचने आया। नौलख गाए नंद द्वारे पर खड़ी, नौलख गाए नंद द्वारे पर खड़ी। दही माखन की मटकी पे मटकी चढ़ी, बोलो माखन कैसे चुराया, नहीं चोरी बेचने आया। मनिहार का वेश न बनाया, नहीं चोरी बेचने। तुम कहते हो कृष्ण भोगी था बड़ा, तुम कहते हो कृष्ण भोगी था बड़ा। हम कहते हैं कृष्ण योगी था बड़ा, हम कहते हैं कृष्ण योगी था बड़ा। बोलो कैसे है रास रचाया, नहीं जोड़ी बेचने आया। मनिहार का वेश न बनाया, नहीं जोड़ी बेचने आया। धर्मधारी बड़ा तपधारी था वो, धर्मधारी बड़ा तपधारी था वो। अस्त्र शास्त्रों की विद्या का मानी था वो, अस्त्र शास्त्रों की विद्या का मानी था वो। नहीं चीर है उसने चुराया, नहीं जोड़ी बेचने आया। मनिहार का वेश न बनाया, नहीं जोड़ी बेचने आया। वेद शास्त्र पढ़े नीति जानी था वो, वेद शास्त्र पढ़े नीति जानी था वो। अस्त्र शास्त्रों की विद्या का मानी था वो, अस्त्र शास्त्रों की विद्या का मानी था वो। जानकीता का उसने कराया, नहीं जोड़ी बेचने आया। मनिहार का वेश न बनाया, नहीं जोड़ी बेचने आया। मनिहार का वेश न बनाया, नहीं जोड़ी बेचने आया। नहीं जोड़ी बेचने आया, नहीं जोड़ी बेचने आया। सौ से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।